हाँ जी, केड़ी माजी नाव की ओ माजे मसला की है दा पिछा किन्ने दिन हो गए पिछा वहां दिया दो तीन दिन किदो सुई सी पिछले इतवार सुई है पिछले इतवार इतवार छाड़ के ना पिछले इतवार ही है ना इतवार छाड़ अच्छा ते पिछा पहला आपे चढ़या सी नहीं नहीं इन्ना ही कटती है इन्ना पहले बैठी ही कटती सी ठीक है ते आपे ही उठाया चार जांदी सी ते आज हुन खड़ी खलोती है इन्ना कटया अगे नहीं सी कटती ਇਹ ਕਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਵੰਗਾ ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ खड़ी खलोती पानी लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राजपूत आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुशामदीद कहता है। तो आज का जो फील्ड का केस है हमारा, ये हमारे भाई हैं, इनकी जो भैंस है ये दिखाएं जी, कौन सी भैंस है, वो जो भैंस है वो है पीछा दिखाना, पीछा फूल फूल दिखाना। हाँ जी, प्रोनेस ये जो है ये जनाब देखिए ये देखें जी प्रोलैप्स, इसको अभी ये जो भैंस है इसको पार्चुलेटेड किए हुए बच्चा दिए हुए अभी तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, तो ये फूल दिखा रही है। आप इसकी जो मेन वजूहत है किस वजह से जो है जानवर अपना फूल अपना पीछा जो है ये प्रोलैप्स का केस है वो क्यों, ये मसाइल ये मसला क्यों आता है। नंबर वन तो एनी इन्फेक्शन, किसी भी वजह से जो इन्फेक्शन है ये नीचे दिखाएं जी, ये सारा जो फ्लोर है ये क्योंकि इसके ऊपर डंग पड़ी है, इसके अंदर बहुत से बैक्टीरियाज हैं और जो एयर है हवा के अंदर जो फंगस स्पोर्स होते हैं वो है, और साथ ये देखें ये जो डिस्चार्ज दे रही है ये देखें अभी ये विजाइनल प्रोलैप्स, इसको कहेंगे विजाइनल प्रोलैप्स, बहुत ज़्यादा नहीं है ये थोड़ा है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि इसकी जो वजूहत है उनकी जो है इन्फेक्शन जो है नीचे से जो है कोई भी डंग जो है कोई जरासूमी का अंदर जो है चले जाना जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी, स्मेलिंग हो जाएगी और जानवर जो है वो इरीटेट निस्बस जो है जिसको हम कहते हैं पीछे को जोर लगाना वो जोर लगाएगा ड्यू टू दी एनी इरिटेशन की वजह से जो है। अब अगर ये कंडीशन इस तरह की हो जाए तो आपने क्या करना है, जो आम ट्रेडिशनल लोग इस्तेमाल करते हैं वो काम नहीं करना। कुछ लोगों के हाँ ये जनाब कोई जूता जो है वो क्या कहते हैं ये चमड़े का जूता उसके साथ अंदर करना है, वो ऐसा कोई काम नहीं करना आपने आपने चले गई जी। तो आपने कोई भी जो है कुछ लोग क्या करते हैं जनाब है वैसे ही विदाउट वॉशिंग एनी हैंड अपने हाथ धोए बगैर जो ना वो जोर लगाना शुरू कर देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। कोई एक पहले नंबर वन वॉश योर हैंड, अपने आप जो आपके हाथ हैं इनको पहले सबसे पहले साबुन के साथ आपने धोना है, फिर इसके ऊपर जो है ग्लव्स हैं वो चढ़ाने हैं, कोई भी यानी एंटीसेप्टिक सॉरी एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है जिस तरह आप जो आम अवेलेबल है हर जगह से मिल जाती है KMN4 है जिसको हम पिंकी लाल दवाई कहते हैं, अगर वो भी ना मिले तो आम जो है जो पंसारी की दुकान है या करेना स्टोर है वहाँ से फटकड़ी जो है एलम वो ले लें, उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पहले इसको वाश करें और फिर जो है आराम से इसको अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे और इसको इसकी जगह पर लेके जाएंगे ताकि ये दोबारा
फूल ना दिखाए। इसकी एक जो दूसरी वजह है रिटेंशन ऑफ द यूरिन, वो जानवर जो सही तरह खुल के पेशाब नहीं कर पाते तो बाद में जो है वो फूल पीछे को जोर लगाते हैं तो ऊपर वो वाला जो विजाइनल प्रोलैप्स है उसका मसला दिखने में आता है। या तीसरी जो वजूहात है उनमें से एक जो काज है वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस के मसल हैं उनका कमज़ोर हो जाना तभी जो है जानवर फूल दिखाना शुरू कर देता है। तो या जो फोर्थ में कहूँगा डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स स्पेशली जो है कैल्शियम एंड फास्फोरस, खासतौर पर जो नमकियात हैं उनमें से कैल्शियम है फास्फोरस है, जब जानवर के अंदर की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो फिर जानवर जो फूल दिखाना शुरू कर देता है। तो सॉरी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने ले लिया जनाब, ये है मेरे पास, दिखाई दे रहा है, ये मैंने साफ पानी लिया बिल्कुल साफ पानी, ये जो बर्तन लिया है बाल्टी, पहले इसको वाश किया साफ करने के बाद साफ पानी इसमें डाला है, और ये है जिसको मैं आपको बता रहा था KMN4 लाल दवाई, ये पिंकी जो है ये देखें हल्की सी, ये दिखाई दे, इसको अच्छी तरह जो है डिसॉल्व कर लेंगे, ये मैंने ये कर लिया हाल इसमें अच्छी तरह, आप इसको वाश कर लेंगे। डॉक्टर साहब ये दिखाई दी हो गया, ये बेटा ये कुछ तेल पकड़ दिन पकड़ दो इंटरनल जगह, हाँ ये चला गया, ये अंदर चला थोड़ा पर से दिखाई दे रहा ये देखें वो चला गया अंदर। तो ये असल जो इसका जो मसला है वो अंदर जो यूट्रस है बच्चेदानी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है जिसको हम बायोमेट्रा कहते हैं, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन आ रही पस जो पीप है वो अंदर कटी जाती है तो बाद इन्फेक्शन की वजह से जानवर के पीछे को फूल दिखाना शुरू कर देता है। अब इसके लिए जो एंटीबायोटिक है अच्छे PPS है आप वो इसको लगाएंगे, या टाइलोजेंटा है बहुत से एंटीबायोटिक, या ऑक्सीटेटरासाइक्लिन है, ऑक्सीटेटरासाइक्लिन प्लस कीटोप्रूफन का जो साल्ट है वो भी आ रहा है, साथ एनर्जेटिक जो है जो इन्फेक्शन है जो सवेरिंग है उसको ख़त्म करने के लिए, प्लस जो एंटीहिस्टामिन है इस लेवल है वो इसको इंट्रामस्कुलर देंगे, और खिलाने के लिए इसको जो मल्टीविटामिन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इसमें ज़्यादा हो वो देंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये जो हमारी वीडियो है ये काबिश पसंद आएगी, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। अभी मैं इंजेक्शन जो चाहिए इसको, और ये ट्रीटमेंट जो है जो टीके लगा रहे हैं ये लगातार 3 to 5 days 5 दिन लगातार लगा रहे हैं ताकि अंदर जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली जो है रेडिकेट ख़त्म हो जाए। तो वो विद मी कीता चलो होना आना होंगे। तो जिस तरह मैं बता रहा था एंटीबायोटिक जो है ऑक्सीटेटरासाइक्लिन है प्लस कीटोप्रूफन का साथ वो भी है इसके लिए बहुत अच्छा है, या टाइलोजेंटा है या PPS से है कम्बिनेशन है। तो ये जो ऑक्सीटेटरासाइक्लिन जो है ये इसको 30 ml ये लगाने लगूँ मैं, ये दो तो ना सूख जाए दी मैं थी रमा आइए आइए आप ये भी इंजेक्शन लग गया चलो 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 मैं कर छा। तो पहले जो मैंने साल्ट लगाया है वो बता रहा था आपको 20 ml मैंने लगाया था ऑक्सीटेटरासाइक्लिन, ये क्योंकि 20 ml की सिरिंज है तो 10 ml जो है मजीद मैं ये लगा रहा हूँ, ये आ जाए जी ये ऐसे जी बिस्मिल्लाह ओ शाफी ये चल लग गया जी। तो ये जो है आगे वाला
जिसमें बता रहा कीटोप्रूफेन एंटीपायरेटिक एंड एनर्जेटिक जो है, पेन किलर भी जो है, स्वेलिंग है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो वो साथ दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लगाना है तो पैकिंग जो है वो कर रहे नहीं आपने ये। ओके ये जनाब कीटोप्रूफेन भी लग गया, आप इसका मसाज भी कर देना। जो नेक्स्ट ये है एंटी हिस्टामीन, दिस इज, और कोशिश करें जिसमें पहले आपने इंजेक्शन लगाया है उसकी मेडिसिन इसके अंदर है, जिसकी वजह से जो है नेक्स्ट मेडिसिन लगाएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले इसको वॉश करना है और फिर इसको जो है फिल करना है। ये देखें ये इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ये दिखाएं जी इधर। तो मैंने सिरिंज को वॉश कर लिया दोबारा, अब मैं ये 15 ml जो है एंटी हिस्टामिन जो है वो लगा रहे हैं। आप अच्छी तरह लगाना, बाद जो है उसका मसाज भी कर देना ताकि एनुअल जो है ये पैकिंग कर देनी आपने। तो आप लोगों ने पहले माशाल्लाह मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ नए मोड पे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।